हाथ हिला दो भाई कैमरे को देख तू रमन दे क्या कहते जी भाई जान टोकन ना पिया तो फिर क्या फिर क्या जी टोकन पी ते जिंदगी जी 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 ये शेर है जी। मैं हमारा दोस्त समझ अभी लोकर मिल गया है और ये देखें ये देखें ये और इसके साथ शहरी भी देखो ये शहरी डायनासोर। सलमान भाई कैसा फील हो रहा है? अच्छा भी फील हो रहा है। बुरा क्यों हो रहा है पहले ये बता। लोंडे आ गए कि हमें देर हो रही है, हमने आगे जाना है और हमारा पिज्जा पराठा जी हमने ऐसे उठा के बाहर निकले हैं और चाहे हमारी कैंसिल हो गई है। मान के साथ जी हम ढूंढते ढूंढते मतलब कॉस्मेटिक वाली मार्केट्स और इतनी इतनी छोटी छोटी गलियां और इतना मतलब आगे दुकानें ही दुकानें और रेट्स बहुत मुनासिब थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। तो गाइस देखो यार, एक दो व्लॉग्स के बाद फिर हम चमन सदा बहार पे आ गए, वो इसलिए कि आज ही हमने जाना है पिंडी, क्योंकि सलमान भाई तजी प्रोडक्शन वाले और हमारे उस्मान भाई ने ना दोनों ने सिस्टम को थोड़ा अपडेट करना था। तो मेरा तो इरादा नहीं था, खैर इनका यार जाना है तो मैं कहा चलो यार चले चलेंगे, कोई मसला नहीं है यार, हम व्लॉगर लेंगे यार, आप अपना काम कर लेना। और सुबह मैं थोड़ा लेट उठाऊँ और अभी मुझे मतलब नाश्ता करना था, इसलिए मैंने कहा वैसे भी ब्रेक तो लगनी है, चलो यहाँ पे आके नाश्ता कर लेते हैं और अभी सब भाइयों से मिलवाता हूँ। आज हमें दो नए बंदों ने ज्वाइन किया है, बस एक भाई हैं इन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। हाथ हिला दो भाई कैमरे को देख तू रमन दे। और ये गाइस सलमान भाई तजी प्रोडक्शन वाले, सुबह सुबह हुई है। ओ गाइस ये हमें चमन सदा बाहर पे कामरान भाई मिले हैं, कैसे हैं जनाब आप इधर किधर सुबह सुबह? मैं ठीक हूँ, बस नाश्ता नहीं मिला घर से, तो नाश्ता करने के लिए। अच्छा मतलब मेरी भी यही कंडीशन है। मैं ये गाइस आज का मेरा नाश्ता, नाश्ता करने के बाद जी अभी हम पिंडी के लिए निकल रहे हैं यहाँ से और कामरान भाई आज ड्राइव कर रहे हैं। जी कामरान भाई बोलेंगे नहीं क्योंकि मतलब ये कहते हैं मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे नहीं छेड़ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, दुआ करें अल्लाह ताला खैर करे। खैर और हमारे बाकी दोस्त वो पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं जी पिंडी और अभी हम जी फिरोज लोबिया चाट खाने के लिए आ गए हैं हर बार की तरह। और सुलेमान भाई ने शायद पहले खाई होगी, ऐसी बात नहीं अभी नहीं खाई होगी, खाई हुई है आपको फिर टेस्ट भी पता ही होगा भाई का, मुंह में पानी आ रहा था, अंदाजा लगा रहा हूँ। किसी दौर में हम सुकून रंगीना बाजार हुआ करते थे। अच्छा और लोग वहाँ पे हम लोग इस तरह से पले बना के वही जाएगा, चलो पुरानी यादें ताजा होगी। उस्मान भाई आप क्या कहना चाह रहे थे? बहुत अच्छी है, जबरदस्त यही कहना था, इतना फिर मेरे से व्लॉग है भी स्टार्ट करवाया था कि मेरी भी वीडियो आ जाए। अच्छा आप भी साथ आ जाओ, ऐसा कहीं भी तो मेरी वीडियो नहीं पता, साडा ऐसा पै जाए हैं चाट खा लिया और अभी हम जिस काम के लिए आए उस काम के लिए जा रहे हैं। ये जी हमारे सिस्टम निकल रहे हैं, बाशी भाई सिस्टम निकालते जाओ, चलते जाओ जी, चलते जाओ चलते जाओ, अभी जा रहे हैं हम सिस्टम का काम कराने। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ दो इदारों के सीईओ आगे आगे हम मुलाजिम गरीब लोग पीछे पीछे। अभी हम आए हैं जी सलमान भाई के, हमने सिस्टम की ये केसिंग देखनी जी, ये पसंद कर रहे हैं आप? ये नहीं पसंद, ये कैसी लग रही है, सही है या नहीं, दिल मान रहे हैं ये देने का? ये तो मैंने अभी देखा, जबरदस्त, डन करो जी, डन करो ठीक है ये भी। लेकिन और चीज भाई का जहन नहीं मान, दिल नहीं मान रहा, हम और तो करना ऐसा कैसे हो सकता है भाई, लोग अपना सिस्टम की केसिंग वगैरह देख रहे हैं उधर उधर से ले आए हैं, अब यार टोकन पीते हैं कामरान भाई ने और मैंने जगह भी ढूंढ लिया है, क्या कहते जी टोकन ना पिया तो फिर क्या जी है जिंदगी जी 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 ये शेर है जी जी जी। चलते चलते आज हमें पिंडी में वो भी सदर के अंदर हमें हमारा दोस्त समझ अभी लोकर मिल गया है और ये देखें ये देखें ये और इसके साथ शहरी भी देखो ये शहरी डायनासोर दोनों भाई एक साथ, कैसी यार ये पिंडी
निकल आए यार, बोल ही नहीं रहे, देखो कितना नकर आ गए यार। अब यार ऐ नकर यार आवाज ना कब सा मां यार क्यों ना कर दे। हां यार हमदा तू आ चल, तू तो लगाऊंगा तेरे ना करने है इलाज, तेनु लेके ही नहीं जाना, तेनु बुलाना ही नहीं है। सलमान भाई ने ये किसिंग पसंद की है। सलमान भाई कैसा फील हो रहा है? अच्छा भी फील हो रहा है। बुरा क्यों हो रहा है पहले ये बता। पैसे वो भी ज्यादा चीज नहीं आ गई, ये तो बात मान लेने से ये वही बस ये पोस्टमार्टम हुआ है जी पहले सलमान भाई के कंप्यूटर का, अभी ये इसमें शिफ्ट होगा। यहाँ पे सिस्टम देने के आने के बाद अभी हम यहाँ पे LEDs देख रहे हैं सलमान भाई के लिए, क्योंकि भाई की पुरानी को सही नहीं है तो भाई ने कहा नहीं लेते हैं। LED लेने के बाद जी अभी हम आ गए, मोबाइल की तरह बैक का इशू था तो वो सही करवाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे सिंगापुर प्लाजा में। तो यार देखो यहाँ से कब फ्री होते हैं, बाकी तो अभी हमारे जो काम है अभी तो बहुत सारे काम रहते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तकरीबन 3:45 हो गए और अभी तो मलक को मिलना है, मलक तो याद होगा ना, नहीं है तो शाम को मिलेंगे फिर याद करेंगे। मोबाइल शॉप से निकले हैं, वहाँ पे उस्मान भाई को कोई रेट जमे नहीं है, उसने कहा यार रहने दो नहीं करते, निकलते हैं वहाँ से। अब निकले हैं हमने कहा चलो सिस्टम अभी तैयार हो गया होगा तो वहाँ पे जाते हैं, उसे सिस्टम उठाते हैं। उस्मान भाई का सिस्टम रेडी हो चुका है जी, ये चेक कर, ये भाई ने भी डील ली है और ये भाई का सिस्टम। भाई मैंने ये कहा है कि वो जो केसिंग आपको 2000 की दी है वो मुझे 1000 की दे दो। ठीक है रुवैद भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। गाइस अभी हम आ चुके हैं जी लिबर्टी मार्केट में और राजा बाजार, आए इसलिए कि अब सिस्टम के अंदर यानी कि उस्मान का और सलमान दोनों के सिस्टम के अंदर मतलब हमने EDS करवाना है, और EDS जो है ना मतलब काशिफ निज़ामी नाम का बंदा है, वही मतलब उसी ने बनाया है शायद, तो वही यहाँ पे अपडेट करता है। तो बस अभी हम आ गए हैं, उसने कहा यार 1 घंटा लगेगा, अब देखो कितनी देर लगती है, फ़ोन पे तो इतना ही उसने बोला है। मान लो तो भाई सिस्टम का काम करवाने लगे और मैंने बताया 1 घंटा लग जाएगा, मैंने और कामरान भाई ने सोचा कि यार जाते हैं कुछ पेट पूजा करते हैं, सुबह टाइम ही घुमा रहे हैं, ले के साथ आए हुए हैं, कोई चीज़ भी नहीं खिला रहे हमें। बाजी क्या करें, अब तो भूख भी कहती है कि मुझे भी भूख लगती है। सही बात, हमने कहा चलो भूख का कोई इंतजाम करें। हाँ। क्योंकि आप भूख भी चला रहे हैं। अभी हम क्वेटा वालों के पास आ गए हैं यार, सीन ये है कि हम खाने पीने के लिए आए थे और ये लोंडे आ गए कि हमें देर हो रही है, हमने आगे जाना है, और हमारा पिज़्ज़ा पराठा जी हमने ऐसे उठा के बाहर निकले और चाय हमारी कैंसिल हो गई है, ठीक है सिर्फ इनकी वजह से, और फिर ये कहते हैं आप लोग हमारे लिए करते क्या हो। गाइस अभी हमने जी गाड़ी पार्क की है और अभी हमने एक लेंस सेल करना है और एक को रिपेयर करवाना है, उसके लिए अभी हम इंपीरियल प्लाजा में आए हैं। इन भाइयों को हमने लेंस दे रहे हैं कि चेक करें, आप अगर पसंद आता है तो इनको सेल कर देंगे। लेंस सलमान भाई का सेल हो गया 66 का, 68 रेट लगा हुआ था पहले, लेकिन 66 का सेल कर दिया भाई ने। और यार रिपेयरिंग वाला बड़ा अजीब सीन है यहाँ पे, मतलब छोटा सा बिल्कुल छोटा सा माइनर सा काम है फिर भी 5,000 दे दे, 10,000 दे दे, ये दे दो वो दे, मतलब रखता ना लग रही 9:30। यार कैमरा का कार्ड अभी लेने आए हैं, ठीक है होल सेल की शॉप थी और सलमान ने कहा यार यहाँ पे मतलब सस्ते मिलेंगे कार्ड, और यहाँ पे मतलब 3300 के थे, और जबकि हमने कराची कैमरा सेंटर से कुछ टाइम पहले सलमान ने मेरे कार्ड लेके आया था मेरे कैमरे का, वो 3500 का था। तो मैं कहा बड़ी अजीब होल सेल शॉप है, यहाँ 100-200 कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 200-300 ज़्यादा है बल्कि। तो अभी हम फिर कराची कैमरा सेंटर पर जा रहे हैं। आप लोग इतने व्यू सब्सक्राइबर शेयरिंग वेयरिंग करो भाई, आपका GoPro लेगा यहाँ से आके, मैं तो फैन हुआ पड़ा हूँ भाई, कब से वीडियो देख रहे हैं। कार्ड्स ले लिए हैं लेकिन यार लेंस लेने थे, 2 से 3 लेंस लेने थे, लेकिन कंफ्यूजन इतनी हो गई थी कि यार हम मतलब लेंस नहीं ले सके, तो अभी बस हमने कहा चलो अभी लेंस का मतलब जो प्लान है ना वो रहने देते हैं, तो चलते हैं यार कोई शॉपिंग कर लेते हैं, कोई जीन्स शर्ट्स और कोई देख लेते हैं, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो लेते हैं। और फिर मलक साहब कब से हमारा वेट कर रहे हैं कि यार इतनी देर है, तो उसे फ़ोन किया अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, फिर आ ही नहीं रहे, तो बस यहाँ से फिर अभी निकलेंगे। भूख भी बहुत लगी है यार, कुछ ऐसा खाया नहीं हुआ, एक एक बाइट लिया है वो पिज़्ज़ा पराठा वाली, और बस मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे तो नींद भी आने लगी है कब से बैठ के देख के डीलिंग कर करके, मतलब
कुछ हो ही पड़ा है अजीब सा एग्जाम आ गए साहब भाई। आपके पास नया कस्टमर लेके आए? हाँ एक नया बंदा लेके आए वो हो रहा है। नहीं ये बंदा है ये पीछे वाला ग्लासेस वाला कार में और उस्मान एक लोशन लेना है उसके लिए। हम कब से इस मार्केट में आए हैं राजा बाजार के मैं लाइफ में ये वाले बाजार मतलब इतना अंदर नहीं गया जो आज मैं उस्मान के साथ जी हम ढूंढते मतलब कॉस्मेटिक वाली मार्केट और इतनी छोटी छोटी गलियाँ और इतना मतलब आगे दुकानें ही दुकानें और रेट्स बहुत मुनासिब थे। वैसे अगर कोई है यहाँ पे तो यार आप लोग यहाँ पे आके चीज़ें लिया करो अगर इतफाक हो ना मैं कभी मेरा हुआ तो मैं ले लूँगा। तो मतलब जी बहुत इंतज़ार कराया उसके लिए माजरा जनाब लेकिन मैं खुशी है आपके हैं बहुत शुक्रिया जी। आ गए वो शाहकार जिनका था हमको इंतज़ार बात ऐसे अनमोल हीरे मिलते हैं जो हम जल्दी जल्दी ढूंढ लेते हैं। ये हमारा यार है और हमारा यार रार है ये हमारा यार है ये हमारा प्यार है और इस धरती माँ पे यही हमारा प्यार है। I love you Johnny। Guys, finally यार हम खाना खाने के लिए आ गए हैं। यकीन जानो सुबह से यूं ही घूम रहे हैं। एक हमने वो चाट खाई थी और एक बाइट ली थी मैंने सिर्फ वो पिज़्ज़ा पराठा वाली उसके अलावा नहीं बस चाय पे गुजारा किया सारा दिन और अभी हम आ गए हैं जी। ये मतलब यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा मतलब पेशावर ये वही है उनके मतलब उसका भाई बंदे का जहाँ हम पहले सादकाबाद में जाया करते हैं ठीक है फिश के लिए और चरगा के लिए। मलक ने कहा कि आज जी आज हम इधर जाएंगे इनका भी टेस्ट चेक करेंगे है तो वो भाई लेकिन टेस्ट चेक करते हैं। मैंने कहा चलो जी हमने कहा बस जाने दो हमें भूख लगी जितना पास जा सकते हैं वही ठीक है। गाइस पहले हम टेबल नहीं आएगा उस साइड पे बैठे हैं ठीक है लेकिन वहाँ पे ना स्मेल आ रही थी नाला बना हुआ था हमें कहा नहीं यहाँ जगह चेंज करते हैं मलक ने कहा इस साइड पे इधर आ जाओ। और अभी जी हमारा खाना आ चुका है लेकिन दो लौंडे गुम हो गए सलमान और कामरान अब पता नहीं किधर हैं फ़ोन कर रहे हैं देखो कितनी देर लगाते हैं उनकी वजह से आप वेट कर रहे हैं और आज इतनी भूख लगी और उतना ही ज़्यादा देर हो रही है हमें खाने में। गाइस हमारा खाना आ गया है उस्मान तो पहले शुरू हो गया था ये सलमान आए ये कामरान भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह गाइस खाना खाया और यकीन जानो इसका अपने भाई जो जिसके पास हम पहले जाते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट था सबको बहुत पसंद आया। और कामरान भाई अभी मुझे यहाँ ले आए हैं पहले तो बताएं खाना कैसा था? बहुत ज़बरदस्त और मज़ा आ गया आप लोग भी यहाँ आए और ये सिक्स रोड पर इनकी ब्रांच है जवेद पेशावरी की फिश वाली बहुत अच्छा लगा था यकीन माने हम चल गए खा खा के शादियों पे हमारे तो मुंह का जायके ही चेंज हो गया मैं वही सोच रहा था वो हम किसी को क्या कहें मज़ा आया बिल्कुल मज़ा आया। और अभी कामी भाई ने कहा यार चलते चलते नज़र आ गया अपर यार तो ले लेते हैं ठंड लग रही है भाई को भाई ने कहा चलो यार एक आध अपर ले के पहन ले चला लेते हैं और आसमान पीछे पीछे आ गया तो पता नहीं हम कोई मतलब अनोखी चीज़ लेने लगे यहाँ पे। साथ मुबारक कामरान भाई साथ साथ मुबारक गोटी चला चढ़े भाई पूरे अब जो है ना ये सर्दियों का सीजन यही चलेगी हमने और तो कुछ पहनना नहीं लेकिन मूड पे बात है गाइस जहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया था वहाँ पे जी एंड कर रहे हैं चमन सदा बाहर पे हम आ गए हैं ठीक है और टोकन भी है और हिसाब किताब पता है चलते हैं फिर सारों के काम ही भाई कर रहे थे अभी सारे हिसाब किताब क्लियर हुए और बस यार अभी चलते हैं थक गए हैं और बताऊंगा फिर वैसे भाई कहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हमने ली हैं और किस किस जगह पे शॉप्स अच्छी हैं मुनासिब रेट्स मिलेंगे जिस तरह सदर में मतलब कंप्यूटर मार्केट है वहाँ पे ये होराइजन वाले अच्छे हैं इसी तरह मैं अगर इत्तेफाक हुआ तो फिर इंशाल्लाह बताऊंगा। आज बस इतना ही था आज का दिन तो बहुत ही बड़ा हो गया यार कोई समझ नहीं आई थक गया हूँ इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलूंगा मिलते हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह अल्लाह।